वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड. सब्जेक्ट इज जनरल नॉलेज एंड वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 24 एंड चैप्टर 25. वी हैव टू डू बोथ ऑफ चैप्टर इन दिस वीडियो ओनली. सो स्टार्ट चैप्टर नंबर 25, दैट नेम इज इंडियन क्यूजीन. ओके, सो देर आर गिवन सम डिशेज ऑफ इंडियन स्टेट्स दैट यू हैव टू राइट नेम्स एंड द स्टेट नेम्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज गोंगुरा पचड़ी. ओके, पहला क्या क्या नाम है? गोंगुरा पचड़ी, दैट इज एन इंडियन क्यूजीन दैट बिलोंग टू द स्टेट आंध्र प्रदेश. ओके, नंबर सेकेंड, दैट नेम इज मैसोर इंगा एंड दिस डिश बिलोंग टू स्टेट आसाम. नंबर थर्ड, दैट इज लिट्टी चोखा दैट बिलोंग टू स्टेट बिहार. नंबर फोर, बेबिंका, दैट इज अ डिश दैट इज बिलोंग टू स्टेट गोवा. नंबर फाइव, खांडवी दैट इज बिलोंग टू गुजरात. नंबर सिक्स, अदा प्रदमान दैट बिलोंग्स टू केरला. नंबर सेवन, चना मद्रा दैट इज बिलोंग टू द स्टेट हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज कलाडी चीज दैट बिलोंग टू जम्मू कश्मीर. नंबर नाइन, पंडी करी दैट बिलोंग टू कर्नाटका. नंबर टेन, भुट्टे की कीस दैट इज बिलोंग टू स्टेट मध्य प्रदेश. नंबर इलेवन, मक्की रोटी एंड सरसों साग बिलोंग टू द स्टेट पंजाब. नंबर ट्वेल्व, बाजरा खिचड़ी दैट बिलोंग टू राजस्थान. नंबर थर्टीन, छेना पोडा दैट इज बिलोंग टू उड़ीसा. ओके, टेक्निक्स ऑफ शुगर. Many visitors from abroad learn the refining and cultivation of sugar from us. ठीक है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो सबसे पहले शुगर को कंज्यूम करना और शुगर को प्योरीफाई करने की टेक्निक डेवलप किया है. ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया ने, फिर हमारे कंट्री से ही लोगों ने, बाहर के देश के लोगों ने सीखा है शुगर को रिफाइन करना, यानी कि शुगर को साफ करना और एक्सट्रैक्ट करना. मतलब कि किसी गंदे चीज़ में अगर आपका शुगर मिला हुआ है तो किस तरीके से शुगर को हम उसमें से निकाल सकते हैं. ठीक है, किसी गंदे में से शुगर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये हमारे कंट्री से ही लोगों ने सीखा है. ठीक है, उसके बाद नंबर सेकेंड है, साइंस डे इन स्विट्जरलैंड इज डेडिकेटेड टू एक्स इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम. ठीक है, स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है. ठीक है, साइंस डे मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उनको ही याद करके मनाया जाता है. ठीक है, हमारी कंट्री में शायद पता नहीं मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, लेकिन इसके बाहर, हमारे देश के बाहर, स्विट्जरलैंड जो कि कंट्री है, वहाँ पर साइंस डे मनाया जाता है APJ को याद करके. ठीक है, अब्दुल कलाम को याद करके. द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम हैड विजिटेड स्विट्जरलैंड बैक इन 2006. नंबर थर्ड देखेंगे, द फर्स्ट रॉकेट इन इंडिया वॉज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ साइकिल. ठीक है, हमारी कंट्री का जो पहला रॉकेट बना था, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उस समय हमारी कंट्री में क्या थे, साधन नहीं थे. ठीक है, उतने बड़े बड़े ट्रक या जो भी होते हैं पोर्टेबल वाले चीज़, वाहन नहीं थे. तो जो पहला रॉकेट हमारी कंट्री का बना है, उसको एक साइकिल पर ले जाया गया है, जहाँ पर उसका प्रोजेक्शन होना था. ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि दो आदमी लेके जा रहे हैं ना, साइकिल पे रख के ले जा रहे हैं. द फर्स्ट रॉकेट वॉज सो लाइट एंड स्मॉल दैट इट वॉज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ बाइसाइकिल टू द थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन इन तिरुवंतपुरम केरला. ठीक है, जहाँ से पहला हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ है. ठीक है, उस जगह का नाम है तिरुवंतपुरम, जो कि केरला में है, और जिस जगह पे हुआ है उसका नाम है थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन. ठीक है, जो हमारा पहला रॉकेट बहुत लाइट था. ठीक है, जिसके उसको कि हम लोगों ने साइकिल पे ही उसको उस जगह तक ले जाया गया था. उसके बाद है नंबर फोर, देखिए, द ह्यूमन कैलकुलेटर शकुंतला देवी वॉज गिवन द टाइटल आफ्टर शी डेमोन्स्ट्रेटेड द कैलकुलेशन ऑफ 213 डिजिट नंबर्स. देख पा रहे होंगे आप लोग, बड़े बड़े नंबर हैं, इसका क्या करा है, कैलकुलेशन करा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करा है. विच वर पिक्ड एट रैंडम शी आंसर्ड करेक्टली विद इन 28 सेकेंड्स. ठीक है, इनके बारे में भी पिछले साल इन पर
फिल्म भी आई थी है ना, आप लोगों ने देखा था ये फिल्म शकुंतला देवी पे, देखा था कि देखा था, जिसमें विद्या बालन ने काम किया है और ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज था, ये बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करती थी। ठीक है, चाहे वो डिवाइड करना हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करना हो या ऐड करना हो, बड़े बड़े नंबर्स को वो बहुत ही कम सेकेंड्स में सॉल्व कर लेती थी। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 है आपका अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये कहाँ पर है? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ ओवर 1,55,015 पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, सबसे इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है सारे पूरे संसार में सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है क्योंकि इसमें ढेर सारे पोस्ट ऑफिसेज हैं। ठीक है, अ सिंगल पोस्ट ऑफिस ऑन एन एवरेज सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ 7,175 पीपल। एक सिंगल पोस्ट ऑफिस जो है वो 7,000 से ज़्यादा लोगों की पोस्ट को शेयर करता है। ठीक है, द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन डल लेक श्रीनगर में है। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो कि है लेक के ऊपर स्थित है। ठीक है, वॉज इनाग्रेटेड इन August 2011। ठीक है, जिसका कि इनाग्रेशन 2011 में हुआ है। ठीक है, समझ में आया, ये सारे फैक्ट्स आप याद करेंगे जो कि आपको ये नहीं पता होंगे, है ना। ठीक है,